रुकी, शोवा लेट बानी, एग्जाम नहीं की दे सकत। माना था नहीं कि हम थोड़ा सा लेट बानी, लेकिन ये मत बुला कि हम तुहार पति हैं। एजा हमार और राउर कौनो रिश्ता नहीं के, और अगर कौनो रिश्ता बा तो एगो स्टूडेंट और एग्जामिनर के, और रहुआ एग्जाम नहीं की दे सकत। अरे काहे नहीं कुछ समझत, हमार जिंदगी बर्बाद हो जाए। हमारी एग्जाम देल कितना जरूरी बा ये हम नहीं की बता सकत। हमार शादी शुदा जिंदगी तबाह हो जाए, हमके एग्जाम देवे दी। वो सब सोचल राहुल कामा, हमार नहीं खे, हम रउआ के एंट्री नहीं की दे सकत, ये नियम के खिलाफ है। अरे हम तन में लेट का हो गए नी, ये नियम के खिलाफ बा, लेकिन जैसे सालों साल टीचर लेट आवे ले, वो नियम के खिलाफ नहीं खे। वो सब देखल हमार काम नहीं खे, वो शिक्षा विभाग के काम है। कौन शिक्षा विभाग के बात करता हूँ, वो शिक्षा विभाग के जहाँ पे एग्जाम पास करावे खातिर एक्स्ट्रा शिक्षा शुल्क लिया जाला, जहाँ पे हर शिक्षक अपन तनख्वाह बढ़ावे खातिर हड़ताल पर बैठे ले। आज के समय में हर सरकारी शिक्षक के प्राइवेट स्कूल और कोचिंग क्लासेस बा, जहाँ पे हर विद्यार्थी के ऊपर दबाव बनावल जाला कि ओहिजे पढ़े। एहिजा तो लोग विद्यार्थी और विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता रहे, लेकिन एकरा से कोनो फर्क नहीं के पड़े वाला। वो शिक्षा विभाग के अगर वो बात करता नहीं तो हमारा पढ़ाई करके और थूका तनी इस शिक्षा विभाग पे। रुको बेटा, हमने आप दोनों की बातें सुनी, आप होनहार विद्यार्थी लगते हैं, मैडम इनको परीक्षा देने दिया जाए। जी सर। हमरा के माफ कर दी, बाकी हम रउआ में पढ़ाई खातिर यह उत्साह देखल चाहत रहनी। तो फाइनली इस फिल्म के हीरो जीतू बाबू ने अपने खानदान को श्राप मुक्त किया और दसवीं अव्वल नंबर से पास किया। हो सकता है अब दुल्हन भी विदा होकर इनके घर आ जाए। जहो जीतू बाबू की। देखा लू आज तो हो गई, लेकिन सुधरी ना कुछ। बेटा तो हमारे हीरा। मिठाई की है, मिठाई की है। खाला बेटा, खाला। वाह बेटा, वाह। डिवीजन से आवा लोग। हाँ, लव मिठाई खा। हाँ, ये ले, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट डिवीजन से रघु ली। हाँ रघु खाई। हाँ हाँ बेटी, ये हमार सौभाग्य बा कि तू हमारा के यहाँ बहू बन के ना बिटिया बन के जाता रहू। तू एकरा के पढ़ाउलू लिखाउलू, अगर तू एकरा जिंदगी में ना आई तू ना त
थई लंपट गंवार की गंवारे रह जाए। हो गल कॉमेडी रोवा लोग हंस लेन लोनू अब विदाई विदाई ना होई। का भेल बेटा ऐसे काहे बोला तानी? ई रहल मैट्रिक पास के रिजल्ट, ताज से स्टूडेंट और टीचर के रिश्ता खत्म। आज से हम तोहर पति और तू हमर पत्नी। और हाँ, अब ये घर में जब भी आवे के होई मेहमान बन के आई हूँ। अब हमारा घरे चला हमर मेहरारू बन। जाए बलम
दुपहरी जैसे जर जाए पपिया के बोली इस मारे मन हर हर के हारे खुद पे चले न बस चढ़ला मदन रस तू ही बता दो से कितना भी मुझे भरमाएगी पर मेरी वाली मैडम तो मम्मी लाएगी मेरी वाली मैडम तो मम्मी लाएगी हाँ मेरी वाली मैडम तो मम्मी लाएगी मैं सीधा साधा मम्मी का हूँ शहजादा जैसे चाहूं सॉलिड स्माइल मेरी सॉलिड स्टाइल मेरी जिससे चाहूं जुड़ लूं मैं नहीं पटने वाला मुझको कितना भी तू पटाएगी मेरी वाली मैडम तो मम्मी लाएगी मेरी वाली मम्मी लाएगी
ये फोटो देखकर आप लोग टेंशन में मत आइए। ना तो ये लोग कहीं के राजा महाराजा हैं और ना ही ये कोई राज दरबार है। ये इस घर की चार पीढ़ियों का फोटो है। फोटो के नीचे जो लिखा है उसे जरा गौर से पढ़िए, राज की बात वही है। परदादा जो ग्रेजुएट तो शादीशुदा, छोटे परदादा जी नॉन मैट्रिक तो बंठा। दादाजी की पीढ़ी में यही प्रॉब्लम है, पिताजी और चाचा जी में भी वही। मतलब इस खानदान पे किसी का श्राप है, जो पढ़ा लिखा होगा उसी की शादी होगी। लेकिन लगता है इस साल ये श्राप टलने वाला है, क्योंकि हमारी कहानी के हीरो जीतू बाबू जो कि हैं तो बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन उनकी एक ही प्रॉब्लम है, दसवीं में लगातार बेचारे 6 बार फेल हो चुके हैं और आज 7वीं बार का रिजल्ट आने वाला है। जबकि इनके बड़े भाई ग्रेजुएट है, शादी भी हो चुकी है। अब आगे देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, क्या ये श्राप टलेगा या नहीं टलेगा, आगे देखते हैं। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज जीतू के रिजल्ट निकले वाला। अच्छा अच्छा बैठिए। सब केहू मिठाई खा के तो जाई, कैसे कि हमार बेटा जीतू के रिजल्ट आवे वाला बा। फिर बाद में केहू जाने मत बोल अब जा कि लड़का हमार पास हो गए, मिठाई न मिलन। सब लोग मिठाई खा के ही जाई। अरे आवा लो। अरे आराम आराम। अरे रोक। अरे आराम। अरे मिठाई लेते पा। पंडित जी पूजा करी, पहले पूजा करी, रखो पूजा कराओ। आराम से। हे मैया डिवीजन में देखू, फर्स्ट डिवीजन में माई पहले देखा था दा, पहले कल्पना करे लगलू फर्स्ट डिवीजन देखा था। हमरा का डिस्टर्ब मत कर तू लोग। फर्स्ट डिवीजन में नहीं खेल लागत है, सेकंड डिवीजन से पास भइल बा। अरे माई कहली है देखा दे पहले, फर्स्ट डिवीजन करेलू बार बार। रुको पहले तो हमरा के देखता काहे नहीं, जल्दी देखा। ए हम नहीं खेल। अरे मुवना अगवा दूसरे में देखो। अभी ठंड में चलूं बा। अरे तो देख ना रे। ठाटो में नहीं खे। आई एटा जी हाय देखो जीतू आप फोटो छुपल बा। अरे तो अगवा पढ़ू ना, पढ़ू अगवा देखो। लगता स्पेशल डिवीजन से पास भइल बा हमार बेटा। रुको पढ़ा दा हमरा के। पढ़ रे पढ़ू, कहाँ पढ़ने के? पूरा उत्तर प्रदेश सुहा शर्मसा, नाम जितेंद्र दुबे, पिता महेंद्र दुबे, मैट्रिक के एग्जाम में सबसे कम नंबर लाने वाले और अव्वल विद्यार्थी बने हैं, इसलिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया जाता है। आ भगिना देखले हा। हे मामा जब लिखले बानी तो देखे के का बा? का? देखे वाले लोग देखो था। अरे ते देखले है कि ना? हे मामा टॉप डिवीजन में होई, टॉप डिवीजन में। टॉप और तू कॉन्फिडेंस। और तोहार बाबूजी? अरे बाबूजी के ताज मूर्छा आ गई है, बड़ी हमरा के हल्का मिलत रहले हैं। आज उनके मुहे कोरिखा पताई कोरिखा बताइए। जीवन में बहुत रुपया, जीवन भर बंठा के बंठेरा फेल हो चुकल बड़े। आज तो फोटो टंगवा देता नहीं, आज तो फोटो टंगवा। कि तू बार बार पढ़ाई लिखा के बीच में हमारे बिहाव के बात कर लिया देवेला। आए बाप हो तो कुछ बोल दे बा। एक मिनट है, मर मर के ते ही लाल कदरा पड़ा गोल लगा था। नहीं रे ससुरा तोरा के मार के फोड़ देता नहीं हम आवत नहीं। रे अरे बाप रे बाप। अरे बच्चा दे। अरे बाबूजी बाबूजी। अरे 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 रोई का कर रही है। अरे भाई भाई देख देख देख।
देखलू कितना बेसरम बा, फेल भइल बा सेब खा के जाता। अब हम एकरा पढ़ाई पर एको पैसा खर्च ना करब, एकर कुछ नहीं कर सकत है। फोटो लगा, फोटो लगा। काहे फोटो लगाओ, फोटो लगाओ, फोटो लगाओ, फोटो ना लगी। ऐसे कैसे फोटो लग जाए? तोहरे बिगाड़। अरे अभी पंडित जी कहले बाड़े साढ़े साती का अंतिम चरण चलत बा, छठवा साल में ना पास होई तो सतवा में होकर बापो ने खन रोक सकत, बुझनी? और बिगाड़ा, और बिगाड़ा। हम बिगड़ने बानी? अरे दौर के किकर बिगाड़ा? वो नहीं खे बिगड़ा। अच्छा। देखो एक दिन हमार लड़का ना घर के रिवाज बदली। हर हट, बस हर हट। अरे आवे ना, और कुछ आवे ना रहुआ के, बस हमार लड़का पे हुर 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 बैठ के ही चिकरे हुर 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 हर हट। सर्वा दसवीं पास के कुंडली में ना गोरोहन लग गई बा। ससुरा गैस पेपर देख के लिखले रही, तबो कैसे फेल गइन रे दोस्त? हमरा समझ में आ गई, तोहर कॉपी कोनो शिक्षामित वाला मास्टर चेक कर ले होई, और तो सही के गलत समझ के काट देले होई। ए भाई कहूं ऐसा तना न कर देले कि इतिहास के पेपर में भूगोल वाला गैस पेपर देख के लिख देले। सब्जेक्ट देख के लिखल जला का सब पूर्व के बनी काम रे। सब्जेक्ट देखे के पड़ेला। अच्छा तू लुक जा। कौन चीज का प्रसादी? हाँ भोलेनाथ जी हमार मन्नत पूरा कैले है ना। मन्नत कैसा मन्नत? तोरा फेल भइला के, अब तू फेल आ हम फेल। चल अब शुरू कर जाओ खेल, काहे से कि हम तहरा से प्यार करे नी। उन्हें बाबू जी लटिया उतरन हेने है चेंगड़ा सब हमर पहुंच तरसन अतर प्यास लेता रुक तर प्यार भुलो होतन। अरे यार ये देख इनके फिर से ड्रामा चालू हो गई। तो फायदे में रहेगी, कायदे में रहेगी तो
जीवनी हम बलमुआ काहे खातर भात ना होइसे कह के जबरिए गोरी ना बनावा तू दबाओ इतना इरली कुछ भी तेरी जानी मन सहलेगी कायदे में रहेगी तो फायदे में रहेगी हर कायदे में रहेगी तो फायदे में रहेगी हर कायदे में रहेगी तो फायदे में रहेगी रे एक फिल्म में ये डायलॉग बोला गया है छोरियां छोरों से कम है के इस डायलॉग को हमारे देश की बेटियों ने सच कर दिखाया है एक होनहार पूरे संसार में उपकार करता है एक शिक्षक अपने आप को उस समय बहुत गौरवान्वित महसूस करता है जब उसका कोई विद्यार्थी होनहार निकलता है ग्रामोदय महाविद्यालय की उस होनहार छात्रा का नाम है ज्योति होनहार छात्रा ज्योति को मैं बुलाना चाहता हूँ प्रणाम सर प्रणाम सर ज्योति मिश्रा जी से निवेदन है कि पोडियम पर आएं और दो शब्द कहें नमस्कार आज तक मैंने जो भी हासिल किया है या जो भी हासिल करती जा रही हूं उसमें केवल मेरी मेहनत ही नहीं बल्कि मेरे आदरणीय गुरुजन मेरे माता पिता और भगवान का आशीर्वाद होने के वजह से ही ये सब संभव हो पाया है मेरे माता पिता गरीब जरूर हैं, लेकिन मुझे प्यार देने में मुझे प्रोत्साहन देने में उनसे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे माता पिता के रूप में ये लोग मिले मैं भगवान से एक ही कामना करती हूँ कि हर जन्म में मैं इन्हीं की बेटी बनकर पैदा हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरे माता पिता स्टेज पर आए आइए कुछ बोलिए ना पापा आइए ना हमारे इतना औकात तो ना ही रहे कि हम रहुआ लोगन के सामने खड़ा हो सकी लेकिन आज अगर हम रहुआ लोगन के सामने खड़ा बने तो हमार बेटी के बारे में इतना कुछ बोल दिहल गए हो कि हमरा पास कोनो शब्द नहीं के लेकिन एक बात जरूर कहल चाहब ये हमार आज है ये हमार बेटी हमार नाज है प्रणाम अब मैं मुख्य अतिथि महोदय माननीय डीएम साहब से अनुरोध करूंगा आप आए और हमारे महाविद्यालय की छात्रा ज्योति का सम्मान करने का कष्ट करें
थैंक यू सर। दुल्हन आज तो बहुते सुंदर लागत बाड़ू। जी माँ जी। काश तोहरा नियन एगो पतो और ही हमरा के मिल जायत, हमार सब चिंता दूर हो जायत। मिली माँ जी, जरूर मिली। अच्छा ये दुल्हन, जीतू के ब्याह खातिर अपने गांव में बात कैले रहलू ना, का कहलन सा? कैले तो रहनी माँ जी, लेकिन जैसे लोग सुनेला बबुआ मैट्रिक फेल बानी, वैसे लोग पीछे हट जाला। तार के और कोनो काम बाकी ना हमरा के देखला के अलावा जाने जैसे ए बनबा अपना आपके हीरो तारा का बुझाता हम तारा से मिले बनी हम अपना दीदी या तारा भौजी से मिले बनी वाह बाबूजी गुड लगत खुश रह गुड बेटा सही जा रही बड़ी यो काम करो तारा तो पढ़े लिखे के नहीं खे तो गांव में वो गैरेज खुलवा देनी गांव जवार के गाड़ी धोत रहिया देख एगो ते बड़े एगो इले की बिया उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन में टॉप के ले बिया अते दसवीं फेल लिख लोड़ा पढ़ पत्थर 17 दुनी 72 ले देख काजी ई का हमरे लड़का के बेर बेर चपले रहिला हां जकर बाप इतना लखपति ओकर लड़का गाड़ी काहे के दोई जी उस जमाना गोई कि बाप के नाम पर बेटा पार लग जात रहे एकर करनामा तो पूरा गांव में फेमस बा एकर तो बियाह ना होई जाय दना ना होई तो ना होई हमरा कोनो फर्क नहीं के पड़े वाला कि हम पास बनी कि फेल आ फेल बनी कि पास ठीक बा जाय तो बेटा जाय तू चुप रह एकर बियाह ब्याह के सोचत नहीं रहुआ एक बुलावे 14 धावे हमरा घर के तो कुकरो के बियाह हो जाय जी आ हमार लड़का के ना यदि हम चाह जाई ना तो 15 दिन के अंदर ब्याह कर दे और वह देखते रह जाए मॉल में लड्डू फूटे तो सपले रह जाए हम रवा के चैलेंज देता नहीं हमारा के चैलेंज हाँ तो हम उस चैलेंज देता नहीं करा ले ब्याह तो ठीक बा ठीक बा जब हमारा फोन ले आवा तो मामा के फोन लगा अभी रुक रुक मैं रुक जोकर अभी मोबाइल नहीं चलाता बड़ा ब्याह देखिए हमारे लड़का के करब जल्दी हम देखत रह जाए बापू यही जे देखत रह जाए खड़ा होकर कुछ कहा बड़ सुनर भी अनु ए बबुआ फोन में लिया रे हाँ हम आई ले क्या बतानी अरे कहाँ रह गई रे अरे बबुआ लेके आओ जल्दी फोनवा हाँ, ले आओ फोन लग गया हाँ दीदिया हाँ मम्मा लमाई से बात करो हाँ भैया प्रणाम खुश रह खुश रह खुश रह सुना हमरा के ना दुश्मन लोग के मुंह पे करीखा पोते के बा हमरा के जीतू की ब्याह 15 दिन के अंदर करे के बा समझ ले भैया आए दीदी 15 दिन के तो ढेर बात बा देखाऊ ता 5 दिन में काम हो जाई हां अरे समझ ले पार्टी मने मने तैयार बा अच्छा और लड़का देखे के बाद बात फाइनल हां हां अच्छा सुन तू लेके आ जा जल्दी से हमरा के बहुत जल्दी ब्याह करे के बा हाँ तो ठीक बा पार्टी कल लेके आवता नहीं हाँ दीदिया प्रणाम खुश रह खुश रह पार्टी एकदम तैयार बा भगना के हमार ब्याह हो जाए ईद ब्याह दुनिया देखी देखनी काले आवत बा
ए बेटा सुना, तू ना जाके मिठाई के इंतजाम कर दिया, तोहरे भाई के देखारू आवता काले उ लोग आवत बा, हम अपन लड़का के ब्याह काले तय कर देव। अरे दादा काल तय हो जाए, गुलाब जामुन लेके आई हो। अरे बोका ते मामा के भरोसे बैठल बड़े मां डपर हो यो ना। हे भोलेनाथ जी, पिछला बार जीतू के फेल होके वाला मन्नत तो पूरा हो गया, अब ओकर ब्याह हो कैंसिल करा दी, हम फिर लड्डू चढ़ाई, प्लीज भोलेनाथ जी, प्लीज प्लीज। रउआ लोगन के हमार भतीजा कैसे लगन, खुल के बताई लोग। बबुआ पढ़ ले कितना ले बा। ए महाराज, घर द्वार और हमार भगिना के देख के का लगता की अनपढ़ होई। ऐसा बात नहीं खे, तनिक अंग्रेजी बोल के सुना दी। अंग्रेज के खानदान क्या हुआ का? 10 लाइन अंग्रेजी बोले में क्या परेशानी बा? अरे महाराज, हम साफ साफ कहो तनी 10वीं फेल बा। 10वीं फेल लेकर से हम अपन बेटी के शादी ना करब। ना ना, अनपढ़ लेकर से हमरा बहन के ब्याह ना होई। चल रे बबुआ, चलो सुन चल। देख ले लो, अब यो कहता नी फोटो टंगवा दो। तो एकदम दिमाग खराब हो गया बका। हाँ, ये हमरे लड़का के बारे में हर घड़ी अनाप शनाप बकर रहे ले, सत्यानाश करके धो देलन। ए भैया, अब का होई? ए दिदिया, दिदिया चिंता की कोनो बात ना हो, देखा हमरा लगे खजाना बा, आई देख। अरे भैया, ये तो बहुत, अरे ये तो एकरो ले सुंदर भी आ। अरे हाई देखा। अरे भैया, ये तो हे ममालनी लागतिया हो। हाई देखा दीदिया। अरे लाइन लगा दे, लाइन अपना भगना खाते। अरे ये तो अरे पूरा एल्बम भरल बा दीदिया। अरे भैया, हमरे एगो लड़का ला आ इतना फोटो के खजाना। पहला नजर में भैलो पसंद हो, देखला से तोहके भरत नइखे मन हो। पहला नजर में भैलो पसंद हो, देखला से तोहके भरत नइखे मन हो। चल ना संभारे मोर रसोइया ना, बना ला ना, हो बना पापा के पतो
ए भगीना, चिंता मत करा, आजकल तो कक्षा तीन के लड़का भी 5 लाइन अंग्रेजी फट से बोल दे रहा है। भैया सुनी तो नहीं। अरे क्या सुनिए बाबू, अब हम कुछ कहेंगे लेकिन जादल अब सोचा कि जवला लड़का का मातारी ऐसा मामा ऐसा क्या हो सकेला। देख लो, देख माँ, अब ज्यादा होता ढेर टेंशन करे हनु, तो एक दिन घर दुआ छोड़ के कहीं भाग ले भारत। कान खोल के सुन ली जा, अगर हमार लड़का गुस्सा में कोनो ऐसन वैसन कदम उठावलस ना, तो हम सारा घर के तहस नहस कर दे। ना, ना। बुझ लेना, ये सब दुश्मन बैठल बाड़ सन। वाह माई बा, अभी तो एकदम सही कले बड़े दुश्मन कहीं। ए बेटा सुना, मन लगा के पढ़ाई करी। जनला ना इनका लोग के मुँह पे करीखा बोलता। करीखा सुन, काल हितन के सामने मुना बादी है। अरे और एक बात सुन, रात भर पढ़ाई करी है, यूट्यूब मोबाइल टीवी ये सब मत चलाइए, समझ ले। हाँ बेटा, चुप। हम तोहरे आगे ना हाथ जोड़ता नहीं, मन लगा के पढ़ी है बेटा। हाँ। हमार लाज रख ले बेटा। तू 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 चिंता मत कर माई, रात भर पूरा ईमानदारी से 10-15 रोट ना लेनी नू। अच्छा। आउलो के सामने बोल ना देनी तो हमारो नाम जितें दौर तू बेची तू ना। राते भर में आइए सोचिए बेटा। धन्यवाद, ले आ जा। देखिए भाई साहब जी, लड़का पढ़ाई लिखाई ठोक बचा के देख ले, तभी ना भी आते करो। सही बात। अरे महाराज, हमार किस्मत, बाकी रिश्ता घर पे तय होता। ना ना ना, ना महाराज, बाकी सवाल ना होके के चाहिए कि है ना हौ ना आ, ना ए भगिना। हाँ, तनी अंग्रेजी बोल के दिखावता। इंग्लिश? हाँ हाँ, सुनिए। माय नेम इज जीतू दुबे, सन ऑफ महेंद्र दुबे, माय विलेज नेम इज सूरजगढ़, ऑल इंडियन पीपल्स माय ब्रदर एंड सिस्टर। उस सिस्टर नहीं जिससे मेरा शादी होगा, वो एक को छोड़ के। ए भगिना। हाँ। तनी लेवल बढ़ा के। लेवल बढ़ा के? अरे लेवल बढ़ा। आ हा हा हा, इन अदर टू बिहेव पोलाइटली, बाय अदर यू शुड बिहेव अदर वे। जा जा। अरे वाह, कमाल हो बेटा, आपके मुंह से अंग्रेजी सुन के बहुत अच्छा लगल। थैंक यू थैंक यू। और दो चार पन्ना हमरा के लिख के दिखा दा। दो चार पन्ना अंग्रेजी लिख के दिखा दी। लिख के जी। जी। लिख के लिखी ना वेला। ताको तो ऐसे बालो जैसे लागत आज फोटो टांगिए के माने लोग। चलो। तो ये में इतना खिसियात क्या बड़ा लोग, इंग्लिश आवा तो बोलबे नु कनी, अब हर कुछ लिख के दिखाई। हां ना तो ना वेला तो ना वेला। रात भर पढ़ने उना लोकला, ये तरह सब याद करनी होना लोकला, फोटो फोटो इंग्लिश बोलनी, अब लिखबो करी ऐसा लगता आईएस बनब तब हमर बियाह कराई लोग। लोग ए दीदिया दीदिया। का दीदिया? भगिना दीदिया दीदिया भगिना। अरे अब हम का कहनी। दीदिया घबरा मत, हमरा लगे एगो रामबाण उपाय बा। वो का भैया? भगिना ते कल गोरखपुर रसूरन चौराहा चल जाई है, और वहाँ जाके 10वां इंटर BA MA कुल सर्टिफिकेट लेके आ जाई है। ओकरा बाद वो सर्टिफिकेट देखा ना रू लोग के मुंह में मार दी है। मुंह बंद काम डन। अरे दीदिया हमरा रहते हमार भगिना बंठा नहीं के रह सका। वाह भैया वाह, कमाल के आइडिया निकलने वाला। तो थैंक यू। अरे वाह
बारे मामा बा तहरा जैसन मामा के रहते है भगिना के कबो कष्ट हो सकेला माई काल काले हम गोरखपुर जात हैं आ सर्टिफिकेट लेके आवत हैं जितना जना ताना मरले बलगनु सबके मुंह पहुंच के फेंक एकरा बाद सबके मुंह हां बेटा तू जो ओकरा बाद हम मार लेम ओके टाटा वाह भैया वाह कमाल के आईडिया निकलले बाड़ा का दिमाग तोरे पास बा ओ थैंक यू दीदीया अब देखिया देखा लारू लो अभी तक लेने के नाइल हसन कल अनि टाइम पाजी हसन बसो आ गई ए बिया ए फटपा ए हाय ड्राइवर साहब हां हमर दोस्त तो तरह सोकर बात चलिया ठीक बा अब रुको रह ठीक बा नहीं नहीं ड्राइवर साहब चलिए हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है हां चलो बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछे जी आपका नाम ज्योति है ना जी आपको कैसे पता आपको कौन नहीं जानता जैसा नाम वैसा ही काम कि ज्योति मतलब प्रकाश उजाला अरे आपने तो पूरा गांव जिला जवार पूरा उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है जब से आपको पेपर में देखा था तब से आपसे मिलने की इच्छा थी कितना तारीफ करूं आपका आप तो लड़कियों की आइडियल बन चुकी हैं सब लड़कियां आपको फॉलो करती हैं जी धन्यवाद आप मेरा कॉलेज आ गया हां चलो चलो मैं चलती हूं चलो 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 आगे चलो यानु रे हां या हां हे भैया नमस्ते नमस्ते डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जे मिलला का पागल वागल हुआ का पकड़ोइबा का भैया तनी हने आवो अच्छा अच्छा आ कोनी कि मैट्रिक के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिल जाई हां मिल जाई कितना लागी तत्काल में 50,000 50,000 और का इतना महंगा पैसा पेड़ पर फरता त पेड़ पे नहीं के फरत त पढ़े के बेरी रहरी और मकई लसारत रहला तब ना बुझाई रहे देख ल भैया तत्काल में त लगबे करी बनवाए के बाद त बनवाओ ना त जा अरे खिसियत के बनी एक मिनट रुकी अरे बहुत ज्यादा मांगता है रुक रुक माई से पूछा था नहीं हां माई हां जी तो बेटा सर्टिफिकेट मिलल अरे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के 50,000 मांगता अरे बेटा तरह से बढ़ के पैसा बाका हमार 50,000 लगो चाहे 1,00,000 लगो हमरा के कोनो भी हालत में सर्टिफिकेट चाहिए तो चाहिए ठीक बा लेके आवत नहीं गोल लगत नहीं खुश रह का भाई माई कहतिया कतनो लगे लेके आ चित बा बना दिविया एगो काम करो भाई डायरी पर अपन नाम पता सब लिख दो आ काले 10 बजे आके ले जाइए ठीक बा ए जानू हां लिख दो नंबरो लिख दिया जाता देखो ब्याह हो जाए हो गई भैया ठीक बा कल 10 बजे आके ले जाइए ठीक बा भैया ठीक बा हो गई अब पता चली लोगन के हमार लड़का कौन चीज बा अरे जेकर राम ना बिगड़ी है ना केहू कुछो ना बिगाड़ पाई बड़ा डिग्री डिग्री लोग हल्ला कइले रहल ह डिग्री आवता बड़ा हमरे लड़का के पीछे पड़ल रहे भाई कैसा डिग्री हो जी भैया हैं भाई हो हां हमारे घर में कुछ उल्टा सीधा षड्यंत्र लौकता भैया बौजी के तो किटकिट करे के आदत बा अरे डिग्री का सड़क पे बिकाला कहां बिकाला कहां के नाला मेन बात ही नहीं खे मेन बात बा डिग्री मिलला के आऊ आवता हाय दादा अरे तारा के तारा लड़का के पाक के तो हमार जीवन धन्य हो गई कैसे आ गई हमारा जिंदगी में हो ई बतिया तो हमू कह सकत बानी जी
लेकिन कहत नहीं के जब कहे लागब ना तो सुन ले रहुआ। हाँ ना तो अरे तो कोहिला ना कहे के झेला था फिर मत बोली। अरे हट हट। अरे बड़ा बोले वाला भाई बाड़न। चल तुरा मुंह में घी सक्कर भाई। घी कैसा लगा है जब पुलिस है तो ना। ए भैया कुछ भइल बा का बक हुआ लौकत नहीं के डुप्लीकेट डिग्री वाले के दुकान पे छापा पड़ल बा का। हां अजी ये क्या कहता नहीं ए इधर आ। अरे जोर तुरा कबला तुझो तू नहीं तू आ इधर आ। हां अवसर यहां क्या कर रहा है? हां यहां क्या कर रहा है? कुछ नहीं। तू भी जाली सर्टिफिकेट बनवाने आया है क्या? का मजाक करता नहीं अपना जिला में सबसे टॉप पीए फर्स्ट डिवीजन हमारे आए रहे फिर यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रास्ते से गुजर रहे थे देखे बहुत भीड़ लगा है हमको लगा कि कोनो हीरो हीरोइन चाहे नेता सांसद आए का इसलिए रुक गए। कोई नहीं है जल्दी जाओ वरना तुम भी जेल में जाओगे। नहीं सर हमको जेल नहीं जाना है। नमस्ते निकलो। चलो सर जी पनाह। इस मोती खराब हमार चौका और चौका आगे डिग्री है। अरे महतारी बाप अपना संतान के नीमन बात सिखावेला आ तू ओकरा खराब करल बड़ू है। अरे बंदूक खरीदा आ ओकरा के डकैती सिखाओ। देखी जी हमार कपार पहले ही से फाटा था रउआ हमरा का और टेंशन मत दी। अच्छा सुना अभियो टाइम बा ओकर फोटो लगा दा फोटो। अरे काहे लगा दी दीदा हां काहे लगा दी अभी ओकर मामा जीता। मामा जीता अब देखा हम जब तक अपन भगिना के भयान अटैक कर दे तब तक अपन मुंह ना दिखाई घर में। हां ए तेरी आशीर्वाद दा देखे लाख लेके अब ये घर में तो हाथ ठोक पटोक जरूर कुछ कर भैया कुछ कर। हां सुनी परम आदरणीय जीजा अब देखा तू हमार डरवा। कोठा पर जाई का रही जाई जी। हाँ भैया तू जा। ये हमार भगिना के फोटो। हाँ ठीक बा। पढ़ल कितना बा? पढ़ाई लिखाई में कमजोर बा फिर भी दसवीं फेल। उठ 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 चाचा प्रणाम 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 प्रणाम। यह कैसे? अरे बस रहुआ के देखनी है तो आ गई नी गोल लगा रानी चचा। खुश रह खुश रह खुश रह। आ बैठ बैठ बैठ। का बताई अब भगिना के भया के मारल बा एने ओने भागम भाग चलता। अच्छा एको बढ़िया लड़की मिल जाए ना तो बस हमार भगिना के कल्याण हो जाए। अच्छा अरे अविनाश जी के भगनी बिया ना बिया करे लायक। अरे लड़की तो बहुत मिलत आरी पर हमार बात सुनी हमार भगिना के घर द्वार एकदम चौकस। हाँ शानदार सलमान शाहरुख ऋतिक सब पानी कम चाय बा। एक मिनट रुका फोटो हुआ दिखाई। हाँ, दिखाओ रुआ के रुका रुका रुका। अरे कहाँ लुका गए हो? हाँ हाई देखा देखा ना एकदम हैंडसम हाइटेड पर्सनालिटी हाई देखा भाई साहब हाइटेड पर्सनालिटी देखा चाचा। हाँ देखा एकदम राजकुमार जैसन। हाँ आ बाबूजी का करलन पुरान जमींदार आ गोत्र कश्यप वर्ग देव वर्ग आ पढ़ाई लिखाई दसवीं फेल ही कबूल देनी मार कर मार आई बांट दिया क्या करवाने करा के अरे क्यों करी नहीं जान बच गए। अह
अरे मनोहर के भी कुछ हिसाब किताब करबो, जाके तगादा करो, बहुत कुछ बाकी बा ओकर, ढेर दिन हो गई। हाँ भैया वही के हिसाब है ना। बेटा मामा के फोन आयल बा, मामा के लिया लिया लिया। एकर माइक ऑन कर, माइक ऑन कर, माइक स्पीकर। अरे वो ही ऑन कर रहे। अरे तनी सभे लोग कान के खूट निकाल के सुन ले। हाँ भैया बोला। ए दीदिया, ये वाला अग्री बोल समझा। ये बारा नियत भगना के चलते हम अपन मेहरानू के विधवा नहीं की बना सकत। अरे बहुत मरले बाड़े सर। अरे तू जीजा जी की बात मान ला, ओकर फोटो लगा था। फोन काटते लस माई मिल गल कलेजा के ठंडक। अब कितना ड्रामा हुई घर में। बाऊजी कितना जगह इज्जत गई बा, अब बस करा। मिल गई संतुष्टि, ये ससुरा के कुछ होके वाला नहीं खे। ए फोटो लगाओ। आज नीमन दिन नहीं खे, बाद में लगी। अरे दादा। अम्मा प्रणाम। खुश रह। हम आपसे कुछ बात कर चाहता नहीं। देखा पहले से ही हमारा दिमाग पगलाई बा, तोहरे के जौन बतियावे के बाना रात के आके भौजी से बतिया लिया, ऐसे ही पगलाई बानी और इनका बात करके बानी। सुहब करन हमारे पर लागल पाए, हमर किस्मत ये खराब बा। भाभी। हाँ भाभी हम रोगा से कुछ कहे आइल बानी। कहीं अब भाभी हम ना जीतू से प्रेम करेनी। सच? हाँ भाभी हमरा मन में उनका खातिर बहुत ऊंचा स्थान बा। अच्छा भाभी। हाँ? हम जीतू से शादी कर चाहता नहीं। तका देवर बबुआ भी रउआ से प्यार करे ले। हमरा नहीं के पता भाभी। ठीक बा, रउआ देवर जी के मना ली, बाकी घर में अम्मा बाबू जी चाचा जी सबके मनावल हमार जिम्मेदारी बा। थैंक यू भाभी। चढ़ल बा प्यार के हुमारी हुमारी, दिल के बढ़ल बेकरारी बेकरारी। चढ़ल बा प्यार के हुमारी, दिल के बढ़ल बेकरारी। लागल बाग तन बदन में, लागल बाग तन बदन में, बाटे गुजारिश पिया कदा प्यार के बारिश पिया, कदा प्यार के बारिश पिया, कदा प्यार के बारिश पिया, हो कदा प्यार के बारिश पिया। जब जन होता मन लगावल चाहे लगोता, पिया जी मत बूझा बहुते गजन होता। ओ भगेला ख्वाहिश पिया कदा प्यार के बारिश पिया, कदा प्यार के बारिश पिया, कदा प्यार के बारिश पिया, प्यार की बारिश पिया। प्यार जी भर हम के तू करो
कदा प्यार की बारिश पिया, कदा प्यार की बारिश पिया, कदा प्यार की बारिश पिया, हो कदा प्यार की बारिश पिया। बुआ जिंदगी में रुक जाऊँ सा तू, प्यार तो होय ना। अब वो सही कहता है नू भाई तोहर ब्याह हो खता कि आय विश्वविद छेड़ गेलवा भाई सुधर में आइल बा कि ममुओ कुटाइल बा मामा बड़ा कुछ कहलन ठिकाना ने भगने का ब्याह करा के अब ममुओ हाथ खड़ा कर देले बड़ा भगने के ब्याह कैसे होई हो बाबू भाई हमरा के तो लागे तो ना जिंदगी में रणवे रह जाई हाय कौन नंबर है ती 10 नंबर है हाय क्या के बाकी जोन चूसो तर सो तोन चूसो के बात ठीक बा खासा अरे ला तोहरे को कमी रहल हां ई तीन को कम दिमाग खातर स जे तू खाया गेलु मतलब अकेले चैन ना रहल तारा हमेशा चुमुक लेके चिपकल रहलु जीतू हमरा के तारा से कुछ बात करे के बा तू लोग प्लीज यहां से जा प्लीज तू लोग जाई जा से प्लीज प्लीज चल रे अतना भारी रिक्वेस्ट करा तो जाही के पड़ी बात मान लो हो चला ठीक हो भाई केयर करी हा अरे खाल देखबे करबू कि कुछ बोलबू जीतू आई लव यू अरे दिमाग सही जगह पापा की ना पागल हो गल भड़का अब जीतू हम भाभी से बात कर ले बाड़ी अब सिर्फ तोहार परमिशन की जरूरत बा भाभी कह ले बड़ी कि पापा मम्मी के राजी कर ली है हमनी के ब्याह हो जाई जीतू देख गोरी ई तू का बोलता रहू हम तोहरा से प्यार नहीं कर सकत काहे कि आज तक हम तोरा के ओनर से कभी देखल ही नहीं की प्यार और शादी खातिर एक दूसरा के समझल बहुत जरूरी होला हाँ आज से हमने के दोनों लोग बहुत अच्छा दोस्त दोस्त सीताराम सीताराम अरे दुल्हन अरे कल पुण्यवासी बा तनी गंगा नहाए जाए के तैयारी कर दी हत सोचत है जाई गंगा नहाई जी माँ जी जौन होत बा तौन त होते बा के जाने गंगा मैया हमार मनोकामना पूरा कर देस गंगा मेला उ गंगा सागर में भी नहा लिनु उ ससुरा के पनौती उतरे वाला नहीं खे रउआ चुपचाप नहाई आई जा जब देखा था पकड़ पकड़ करल करे अरे गंगा मैया एगो माई के मनोकामना जरूर पूरा करी है जी हे माई चला दुल्हन चला इनकर तो काम बा पकड़ पकड़ कर अरे जा 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 हट हट देखो तो इनकर ना भाई है ना ना जब देखा तब लड़ल करेंगे अरे जा अरे का नहाए वाली भरी भरी हर हर गंगे राम महादेव पानी बहुत खराब आ रहे राम मां आ रहे हे गंगा मैया हमरा बेटा खातिर एगो मनजोग दुल्हन मिल जात ना तो हम राउर पूजा दू जोड़ा साड़ी से करती हमार प्रार्थना सुन ली मैया अच्छा ललो
ए बेटी, हम तहरा के कहीं देखले बानी। जरूर देखले हो खब, ये हमार बेटी ज्योति ही है। हाँ? यूपी टॉप कैले भी है ना, अखबार में फोटो भी छपल रहे। नमस्ते। खुश रह, खुश रह। मम्मी हम ये चेंज करके आवते हैं। हाँ हाँ ठीक बा बेटी, आई चली चला जाओ। ए बेटा, वो हमार लड़का है। अच्छा राउर बेटा। हाँ, है हमार बेटा। अरे चला, बहुत चला बढ़िया बा। हाँ, बहुत हो गई। हाँ, आवा 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 लोग चली। ये सब ऐसे ही चली, चल के कपड़ा बदल लिया जाए। अच्छा जाना तानी जी, गंगा मैया के दर्शन करके ना मन खुश हो जाला। कैसन मनोकामना बताई ता? एगो बात बताई रहुआ के। हाँ बोली। हमार ते ई है इच्छा बा कि हमारा लड़का के एगो मनजोग दुल्हन मिल जात, फिर हमके गंगा मैया से कुछ होना चाहिए। देखी, जब से हमार बेटी टॉप कैले बिया ना, ओकरा खातिर बड़ बड़ घर से रिश्ता आवत। अच्छा? लेकिन कहीं लड़का पसंद आवता तो दहेज का मांग बहुत बा, और कहीं दहेज कम बा ता लड़का पसंद नहीं खे आवत। कुछ समझे में नहीं खे आवत। हाँ ये तो बात बाटे। सुनी ना। हाँ। हमरा बेटा से करब रहुआ? अरे रहुआ इतना बड़ बानी, हम इतना दहेज ना दे पाई। अरे जेकरा लगे इतना सुंदर हीरा होखे, ओकरा से केहू दहेज कैसे ली जी? हमरा के पैसा वैसा कुछ होना चाहिए, बस रउआ हाँ कर दी। ता ठीक बा, रउआ अपन फोन नंबर दे दी, हम ज्योति के पापा से बात करके खबर कर दे। हाँ हाँ। बाकी गंगा मैया चाहिए तो सब ठीक हो जाए। ले रउआ फोन जरूर करब। हाँ, हमार बेटा लाखों में एक बा। हाँ। बहुत नेक बा। अरे हमने के संबंधी बन गई नी जा। चल 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 चल, फोन जरूर करो भुलाए जी। हाँ, हाँ जरूर आई। इली चाय पी ली। गंगा स्नान करे गेल रहलू, कैसन रहे कुछ बताइलू ना। अरे हम का बताई, गंगा मैया में स्नान करके हम तो धन्य हो गई नी। गंगा मैया तो हमार मनोकामना पूर्ण कर देनी। मनोकामना? कैसन मनोकामना? ज्योति खातिर एक बहुत बढ़िया रिश्ता आइल बा। हमरा के एक बात समझ में ना आवता, तू काहे इतना ब्याह के पीछे परेशान बाड़ू? अभी ओकर पढ़े के उम्र बा, ओकरा पढ़े दा। देखी इत गंगा मैया के कृपा ही बा ना कि इतना बढ़िया बढ़िया रिश्ता आवता ओकरा खातिर। और वैसे भी ज्योति शादी लायक तो होये गइल बा, हम तो कहता नहीं कि मौका का फायदा उठा ली। ऐसा घर द्वार लड़का खोजल हमनी के बस के बात नहीं खे। रउआ का सोचता नहीं और का चाहिए हमनी के? हम फोन नंबर दे तानी, रवा जाके ना उनकरा घर वालन से बात कर ली। ठीक बा, हम बात करब, लेकिन एक बार पहले ज्योति के राय ते ले ली। अब इमे ज्योति मना काहे के करी है? हमें पूरा विश्वास बा कि ज्योति मना ना करी, लेकिन फिर भी एक बार हमरा के ज्योति से पूछ लेवे दा। पर
ज्योति बेटा, तोहरा से एगो बात पूछे के रहे। पूछी ना। तोहार माई जीतू बाबू से तोहार रिश्ता के बात करत रहनी है, इमें तोहार का राय बा। अब हम इमें का बोली, रउआ लोग हमरा खातिर जौन भी फैसला ले वो हमरा खातिर अच्छा ही हुई। ठीक बा बेटी। भगियो के हुके केहू ले ली ही। अरे जोना लड़किया के फोटो रगुआ दिखावत रहनी है ना, उहे लड़किया हिया। चुप का है बानी जी, बोलत का है नहीं की। अब ना फोटो टंगवाई, यहाँ के कहा दी फोटो टांग देस। भगलाइल बड़ू का, वो लेकी से कर ब्याह हुई, सपना देखत अरे। सपना हम नहीं की देखत, अरे फोन अब वही वाला होई। अच्छा, हम ना ब्याह तय कैले बानी, यही खातिर रगुआ के जलन होता। चावल देखी देखी फोन आइए गई। जी बोली। जी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। हम रउआ के घर आवा चाहता नहीं। अरे हाँ आई रउआ। अरे रउआ नियन लड़की के बाप के था चरण धोके पिए के चाहिए, राउर स्वागत करके हम धन्य हो जाए। आप ऐसा बोल के हमरा के शर्मिंदा करता नहीं, हम कल है आपके घर आ जाता नहीं। अच्छा ठीक बा आई रउआ प्रणाम। का भैल जी, बात भइल उन लोग से? हाँ बात तो हो गई, और कल है हम उनकरा घरे जाता नहीं। ये तो बड़ी खुशी की बात बा। हाँ। चली चली काल के तैयारी भी करे के बना। हाँ बिल्कुल आवा। ए बेटा सुना, तू जाए दे। ए बेटा तू ना। माई 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 माई, कुछ कहे के जरूरत नहीं है, हम सब समझ गई। भोरे देखी है वैरायटी वैरायटी के नाश्ता पानी के प्रबंध कर दे। हाँ बेटा। रउआ तो सब पसंद बा, बाकी हमर लड़का। अरे जीजा, रउआ और भगीना के कोनो डिमांड बाका? अहे तू भैया के नहीं जाना, उनकर कोनो डिमांड हो सकेला? अरे ना ना, जोन बात बाऊ हम साफ साफ बता। अरे जीजा, यहाँ के सब जाना तानी की लड़की सबके पसंद बा। देखी हम अब सगरों से संतुष्ट बानी, बस रउआ एक बार हमार बिटिया के आके देख ली। अरे लड़की का देखेगा बा, ओकरा के तो पूरा जवार देख ले बा। ना हमार रिश्तेदार लोग एक बार बबुआ के देखे चाहता ना, तो हम चाहता नहीं कि परसों आप लोग बड़का शिव मंदिर में आई, ताकि लड़का लड़की सब एक दूसरा के देख ले। अब चला पढ़ना पढ़ना। देखी हमनी के मन में एगो बात बा, हम रउआ से कहल चाहत बानी। अरे हम समझ सकत बानी कि रउआ का कहल चाहत बानी। हमनी के राउर बेटी के आपन बेटी बना के अपना घरे ले जा आइल बानी जा। हमनी के राउर बेटी चाही और ही कुछ न। ये तो भगवान के आशीर्वाद बा कि हमार बेटी रउरा घरे जा रहल बिया। ऐसे बड़ा सौभाग्य हमनी के और का हो सकेला। लेकिन ज्योति कहाँ बड़ी? आवा आवा बेटी बैठा खुश रहा खुश रहा खुश रहा बेटी। ए बेटी तोहा तारीफ करे के मतलब चांद के दिया दिखावल बा। तब पहचान ल हम ही तोहर जेठानी हई। ई हमार खानदानी कंगन बा, अपन हाथ द। हमार सास हमरा के देले रहनी।
चलल जाओ, सगाई के रस्म कइल जाओ। चल चलो आवा बेटा, आगे आवा। अगर हमरा से कोनो गलती होखल होखी आप लोगन के स्वागत सत्कार में तो हम माफी चाहब। अरे ना ना, इतना बढ़िया इंतजाम कैले रहनी ना, कोनो गलती हो के सवाल है नहीं। भैया आप जवन कम समय में हम कर सकत रहनी वो सब करे के हम कोशिश कहनी। चली सब अच्छे से हो गए। दीदी तू बहुत नसीब वाला बाड़ू, कहे कि जीजाजी बहुत हैंसम हुए। ये पेपर नीचे कैसे गिर गईल? बेटा
हमरा से अगर कोनो गलती भेल होगी हमार बेटी के ख्याल रखियो। गाड़ी रोका। रउआ कहाँ तक पढ़ ले बानी? का भेल बेटी? मम्मी हमरा साथे धोखा भेल बा। ई दसवीं फेल बानी और ये बात हमरा से केहू बतैलस भी ना। जौन होखे के रहल उ तो हो गेल बेटी, अभी सब बहस करके कौनो फायदा नहीं के, अब तो कुछो ना बदल सकेला ना। देख बेटा, अब तो तुहार मांग में सिंदूर पड़ गईल बा, अब तुहार जीवन ही नहीं, दोनों परिवार के प्रतिष्ठा के बात बा बेटा। पापा हम समझा था नहीं कि दोनों परिवार के प्रतिष्ठा के बात है, पर हम यूं समझता नहीं कि आपके इज्जत के भी बात बाबा की, अगर ये रिश्ता में हमके सुखी रहे के बाद तो हमके अपना पति के सम्मान करे के पड़ी, और वो सम्मान हम तब भी कर पाई जब ही हमारे को शर्त माने खातिर तैयार हो जाइए। कैसन शर्त बिटिया? देखी मांग में सिंदूर तो पड़ गई बा, और हमके शादी से भी कोनो एतराज नहीं के, बाकी हमार बियाह एगो दसवीं फेल से भइल बा, पर विदाई ना हुई, विदाई ना हुई, हमार विदाई तब्बे हुई जब ही दसवीं पास कर ली है, और ओकरा आगे अपन पढ़ाई जारी रखी, ना तो हम जिंदगी भर शादीशुदा होकला के बाद भी अपना मायका में ही रहा। गलती तो हमरा से हो गई बिटिया, हमरा सब कुछ साफ साफ पहले ही बता देवे के चाहत रहे, लेकिन हम तहरा आभारी बनी कि तू हमरा प्रतिष्ठा के ध्यान रख लू, यही से तहरा के एगो वचन देता नहीं कि अब तहर विदाई तबे हुई जब ही दसवीं पास हो जाए। चल रे एकदम चुप। अरे सुनीता, का भइल जी? रवा बतावत काहे नहीं की? आखिर दुल्हन आईली काहे नहीं? विदाई तब्बे हुई जब ही दसवीं पास कर ली, और ओकरा आगे अपन पढ़ाई जारी रखी। आज जोन वहां भइल ना, बड़ी मुश्किल से हम बर्दाश्त के ले बानी, बड़ी मुश्किल से, और इक्के जिम्मेदार तू, तार भाई और तार नालायक औलाद बानी। अरे अपना औलाद के इतना अंधा प्रेम ना करे के चाहिए कि ओकर जीवन बर्बाद हो जाओ। एगो बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद ओकरा जीवन में तुहार दखल देहल बिल्कुल बंद। हम ओकरा के वचन देके आइल बानी, हमरा वो वचन के निभावे के बा, ओकर भरम रखे के बा। अब चाहे जैसे भी होके अब हम ओकरा के दसवीं पास कराए बस। हमरा लिखल लइका
ए लोग दियो बार के खोजे लोग नू तबो ना मिली, लेकिन मौ लोग के पढ़ल लिखल लइकन से ब्याह करे के बा तो हमने इस लइकन के का होई कि तब ये से ब्याह कॉलेज लोग हो ना तो मैथ के मरद आ फिजिक्स के देवर साइंस के भोसुर होइसर और तो निक देख देख के खिस। अरे का भैया मैट्रिक पास कर लेले रहता तो बाबूजी के इज्जत बच नु गई रही। अच्छा अरे पूरा गांव के इज्जत नाश करके रख देला रुक 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 अरे साँच कला पे तीत लगता। अरे तो रुक ना तीत लगता कि मीट बता तन मारा बोलू ये से चितरा ये जईबो लागत कहां पर रुक तीत लगता कट साहे मारत बारा भैया सही तो कहता सही कहता म जन प्रवचन दे बोलो हमरे के हम तो बियाह कटत देखले बानी बारात फिरत देखले बानी लेकिन विदाई के समय बिना दुल्हन के बारात लौट जाए ऐसा नहीं कि देखले तोरा शरम वरम बाकी ना शरम तो हमारा पड़ रही बा आलू बीन तेनु जाय भी नहीं जो जो हनुमान मना लिए उम्र के लिहाज ना रे तू तो बार के ढेर कपड़े फरते जाना बीना मुंह उठाएगा कौन जाना कुछ बोल देता लोग ढेर मत किस पर लोग टीनो कहा जाने का है पहली बार ऐसा लगा था कि जितेंद्र दुबे और जीतू के बहुत तगड़ा वाला बेस्ती भइल बा ऐसा नहीं कि बेस्ती तो पहले भइल बा लेकिन आज अंदर से बड़ी बैड बैड फीलिंग हो रहा है। भाई समझ ले तारे नसीब में ब्याह लिखल रहा विदाई ना। अरे मैं तारे कोनो गलती नहीं खे सब गलती ऊपर नीचे के बा ओकरा दिन बराक सब देख सुन के तहार ब्याह करावे के चाही वो दिन उन्हें के दिशा सुन रहे आ तू बरात लेके चल गई ला यही से सब भइल जाय दे आज न त कल तो भाभी अइबे करिए चलो जीतू जब से हम तारा के देखनी हमके तो उसे प्यार हो गई यही कारण रहे कि तारा फेल होकला के अतार ब्याह टूटला के हम भगवान से मन्नत मांगत रही और ना जाने कब हम ही सोचे लगनी कि हमार ब्याह तोहसे होई ई हमार जिंदगी की सबसे बड़ी भूल रहे। कहल जाला ना जब कोनो चीज किस्मते में ना रहेला तो ना मिलेला। अजीतू हम तहरा खातिर प्रार्थना करम कि तू मैट्रिक में पास हो जा अतहर दुल्हन आ जाए अतो के जिंदगी में सारी खुशियां मिले। ठीक बजी तू अब हम जाता नहीं जीतू अपन ध्यान रखिए। जाए दी अम्मा जी मत रोई अब तो जवन होखे वाला राल होइए गल काहे रोत बानी का करी दुल्हन। अरे भगवान हमरे कुल अरमान पे मट्टी फेर देलन। अरे माई जहिया वो दुबारा विदाई होके आई तहिया बटवा दिया पूरा गांव में हाँ। तू रोत काहे बड़ू और एक रब भी अपना लइका के हाँ? बजवावा ढोल ढप 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 ब्याह करे चलल बाड़ी। अरे कहो तो दू गौरी आदमी जोड़ देता नी पूरा गांव में बटवा दिए सब। अरे रउआ चुप करी जी अरे कौन है मुंह से बटवाई। अरे तो ये बतिया अपना लाड साहब से नु पूछे के चाहिए ये ससुर के पढ़ाई के नाम पर तो पसीना छूटत रहे। नौटंकी कहीं का देखलू बात बर्दाश्त नहीं किया होते करा से उठ के चल दे हलोस काल से पढ़ाई पर ध्यान देते ना तो जीएल काल कर दे तू सुधर जो बजावा हे ए जन्म में पूरा ना होई बहुले आवे के सपना। हे भगवान अब का करी कुछ कहा
बहुत किस्मत वाला लोग कैसन मेहरारू मिले ले कातेवर। चल कही गबड़ाइल बा आँख भइल बा लाल हल्का ही गबड़ाइल बा बिखरल बावे बाल चल कही गबड़ाइल बा प्यार के बुखार कही प्यार के बुखार कही चढ़ल बावे सर पर सच हो गए थे रूम में हमारे नीचे लगत ब्याह भैया के बाद अकेले ही सुती अबहिले सुतले बा कई लड़का अबहिले सुतले बा जीतू ए बाबू उठना रे अरे मास्टर जी आवे वाला बड़न उठ के कुछ पढ़ाई लिखाई कर ला बेटा उठ जा बेटा उठ जा जल्दी से उठ जा जीतू अरे जीतू अरे उठ रे पूरा घर के परेशान करके रख ले बा अरे उठ के तनी पढ़ाई लिखाई कर लेता जीतुआ अरे जीतुआ जीतुआ ए जीतू अरे उठबे कि ना उठ जा एक बार फिर खानदान के नाम बोड़ देबे जीतू एक मारा कहल जाला कि भेड़ा और भतीजा से सावधान रह के चाहिए अरे उठ अब है वो समय बा खानदान के मुंह पे कालिक मत पोत जीतू ए जीतुआ बबुआ
बबुआ। अरे उठ जाई नहीं तो बाबूजी आ जाई हाँ। बाबू, हे बाबू, अरे उठो हो, अरे पढ़े के टाइम हो गई, ए बचवा, उठ रे, हे जीतू, जीतू, हे जीतू, जीतू, हाँ, तो खुला, अरे ससुर कहाँ? हमने वो आधा को कैल बनी आई ये कहाँ अरे ससुरा यहाँ सूतल बाप हमने वो आधा को कैल बनी बाबू हे बाबू हे उठना हे बाबू हे बचवाए पढ़ बेना जा ना पढ़ बेना ऐसे ही कैसे दिमाग खराब भइल बा हिम्मत खराब करो अब हे देखना हम वो आधा को कैल बनी उठ उठ पढ़ पढ़ जान हम जाइए तुरा क्या बे ओ बे बताओ तनी तुरा क्या मोरे कौन इका किला हो अरे हमरा मालूम है कि तू आधा का क्या ही बड़ा कि जब तक हम पास ना कब तब तक विदाई ना होई मोरे अरे रुको यार जा तनी हमेशा मरबे करियन दुलरियन ना कबो पानी फेंक हमेशा मारत ने अरे अरे रुक रुक तो रखा अबे हम सुधी आ पानी आज गणित पढ़त तो गणित की किताब लेके पहला दिन हो मिशन मैट्रिक कुछ भेज दे पूरी बेटा शिक्षक और विद्यार्थी में चोली दामन के संबंध होला हाँ हाँ। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे हाँ हाँ। अच्छा ही बतावा अठारह चौका अठारह चौके चौवन चौवन बहुत बढ़िया बेटा ये बतावा 650 जोड़ 525 650 गुणे प्लस 525 हाँ उन्नीस सौ बहत्तर अरे वाह वाह बेटा 1972 वाह आशीर्वाद आशीर्वाद ये बताओ बेटा कि 100 में से 50 घटावे के रहे तो कितना आई 100 घटाओ 55 हाँ 100 घटाओ 100 100 दू को 55 अरे बस मतलब दिमाग में बा मुंह पे नहीं खावत सही से पूछ कौन जे कौन जे और मर साहब अरे क्वेश्चन बा पढ़े लिखे में बहुत बढ़िया आज तक इनके ढंग के शिक्षक ना मिलल बस बहुत बढ़िया अच्छा चली रुआ मिल गए नीनू हाँ 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 हम मिल गए नी लेकिन हमें 8 दिन खातिर अपना समझाने जाए के बा अरे महाराज तो 8 दिन एक रख पढ़ाई के आप काहे घबराता नहीं हम मैडम जी के भेज देब ना मैडम जी हाँ हाँ उन्हीं के भेज देब ठीक ना नमस्ते भाई पकड़े पकड़े ठीक है मास्टर साहब प्रणाम हाँ हाँ देखे मास्टर साहब कितनी तारीफ कर रहे थे आएगो आप हैं हमेशा हमको हल्के में लेते रहते हैं कॉल देखिएगा मैडम तो तारीफ का पुले बांध देंगे बेटा ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है ना इतने लेवल में बा कॉल देखिएगा लेकिन मैडम जी थोड़ा हंसी है Thank you.
बाबू हाँ इन सबसे फुर्सत मिल गई होई तो पढ़ाई शुरू करी। हाँ 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 कल जाओ चल बाबू सुनाई ए बी सी डी ए बी सी डी सुन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एल एम टी जी एच एल एम टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई बस बजट बस बस बहुत बढ़िया बा अच्छा बतावा व्हाट इज योर नेम 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 मतलब नेम अच्छा हाउ मेनी इयर्स ओल्ड आर यू ओल्ड ओके 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 ओल्ड अच्छा बेटा राम आम खाता है इसका ट्रांसलेशन बताओ मैंगो इज राम नमस्ते मैडम नमस्ते हमार लड़का पढ़े में कैसन बा कमाल एकदम कमाल आज तक इसको कोई ढंग का टीचर ही नहीं मिला अच्छा सुनिए ना हम 8 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं बहन की शादी में मैंने तो 8 दिन पढ़ाई बंद रही नहीं नहीं मैं दूसरी टीचर भेज दूंगी अच्छा प्रणाम मैम मैम कुछ होमवर्क दे दीजिए हम घर पे कर लेंगे ना ना ना, ना बहुत हो गई पढ़ाई तू रहे दा, हाँ? 8 दिन बाद आ जाएगा फिर आप ही हाँ? देखे बाबूजी इंटेलिजेंट बॉय पैदा किए हैं प्राउड कीजिए हम पे एक गधा इंटेलिजेंट कब से हो गया जय हो सरस्वती माई दिमाग में घुसा हमारा पढ़ा मास्टर साहब खुश रहो बेटा ऊ का खाता निमर साहब बीपी के दवाई है ई का है
कुछ गधा लड़का मिल जाला ना तो बीपी बढ़ जाला, यही से पहले से खाके टेंशन फ्री हो जाइला। तो बच्चा हाँ तो शुरू कर जाओ। अरे मास्टर साहब कहा बात कहनी, मतलब पढ़े खातिर हमर ओंग ओंग फड़फड़ाता। अच्छा अच्छा तो तनी राम शब्द के रूप सुनावा सुनावा। हे बाबूजी होई देखी, मतलब मास्टर साहब पहला बार पूछबो कनी हमरा से तो राम के शब्द रूप। अरे का मास्टर जी हे तना हल्का सवाल, तनी भारी सवाल पूछी। देखो बेटा शुरुआत थोड़ा हल्के से कर जाला, धीरे 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 हाई लेवल पर पहुंचल जाला। अच्छा तो राम के शब्द रूप। हाँ बाबूजी सुनी सुनी। हाँ जय राम। राम रमेन रमेत रमेश। ना 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 बेटा ई गलत बा, फिर से तनी सुनावा फिर गलत रहल। हाँ बाबूजी उकाबनो के दिमागम बा मुहा पे होते निखे। हाँ निकल निकल है उकरा। राम रमा रमा भया। हाँ रामे भया। बस 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 रामे में भया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कमर साहब कैसन बा पढ़े में? अद्वितीय अति सुंदर बहुत अच्छा दिव्य अलौकिक क्या बात है। अरे गुरुजी क्या बात बुझनी रहुए हमरा के। देखी दुबे जी हमरे मेहरारू के फोन आइल रहल, 8 दिन खातिर अयोध्या जाए के पड़ी रामनवमी के मेला देखे खातिर। तब तक कोनो और मास्टर के व्यवस्था कर ली बचवा के पढ़ावे खातिर। अरे महाराज ई जौन मास्टर आवता रे इहे बहाना बना बना के चल जाता रे, ई पहले बताई कि पढ़ता नु। बकवास। कुर्सी मेज ब्लैक बोर्ड ई डांटा तक पढ़ली, लेकिन ई मूर्ख कबो ना पढ़ पाई। ई मूर्ख ना हो महामूर्ख। ई ली अपन पैसा और की ली ई ई हमार ना बीपी बढ़ा दी मार डाली अनपढ़ गवार। अरे मम्मा साहब अरे तो बीपी के दूध को गोली खाइल करी बीपिया लो रही। जबरदस्त जे हमार लड़का के ऊपर हाथ उठवनी ये टीचर फटीचर मास्टर हमार लड़का के पढ़ाई हो। अरे आजकल के लड़का कोचिंग में पढ़ता रस। हाँ। हमरो लड़का कोचिंग में पढ़ी। ए बेटा चल तो नाम हम काले लिखावता नहीं कोचिंग में। हाँ हाँ मोटका के पढ़ावे होते नहीं क्या हमरे को तो हमरे में खराबी आई बड़े पढ़ावे। हाँ, बाबूजी काल कोचिंग में हमार एडमिशन। अरे तो का हर घड़ी ऊ करल करी ना। चल बेटा चल हम मिठाई बनाओ ले बने चल। भगवान ही हमरे के बीपी के मरीज बना दी का दू। एगो बात बताओ सोन। हाँ। यह देश में। हाँ। ना ना ना। हाँ। यह दुनिया में। हाँ। छोड़। हाँ। यह धरती पर नौवा क्लास वाला लड़का के वैल्यू बा कि ना। ऐसा लगा था अगर हम दसवा पास ना करो तो दुनिया के अर्थव्यवस्था रुकल बा। कल ऐसे आईपीएस एटीएम के बिया होला। सर कौन मास्टर आवत सब मंदिर के घंटा लगा टन 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 बोल जी चलत सर इतना फ्रस्ट्रेट याद रहो सब मन करते चले भूत के चल भाई साहब चुप 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 हो जा चुप हो जा चुप हो जा साहब साहब तू इतना टेंशन में अपन देख काहे गलौले बाड़े बिया भइल बा त विदाई भी होई एकदम होई। हाँ। आखिर तुमका मांग में सिंदूर डालने बारे सिंदूर आ तू पढ़े तब न पढ़े तब उनका भाई तो पड़ी तू टेंशन मत ले समझ में आयल कि ना कि पूरा दुनिया जिला जवार में तोरे नियल लेका बा एक को लेका नहीं खे का यहाँ पे सबसे बेस्ट के जीतू 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 तू एकदम रिलैक्स 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 सबसे बेस्ट कौन जीतू। चलो 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 रघुआ है जा कौनो विशेष प्रयोजन? अरे ना यही बगले के गांव में आई रहनी है। हाँ हाँ सोचनी है रघुआ से मिलत चली। ना ना ठीक कहनी ठीक कहनी ली। हम भी पूछल चाहता नहीं है कि बबुनी पढ़ती है ना? हाँ भाई तो पढ़ती है। एक और बात तो लग कहल चाहता नहीं है कि देखी ना ये संसारिक बात है कि ब्याह के बाद लड़की ना बोझ बन जानी परिवार के ऊपर। जवन लड़का 10वीं में 6 बार फेल हो चुकल बा ये बात की कौन गारंटी बाकी 7वीं बार भी पास हुई और अपना बबुनी के विदाई करा के यहाँ से ले जाइयो। रघुआ कहे का चाहता नहीं भला हम ही कहल चाहते ने कि हमरा गांव में एगो दुआह लड़का बटे
सरकारी नौकरी बा, कहीं तो बबनी के शादी के बाद हम चलाई ओकरा से। हाँ प्रणाम, ठीक है जाओ। नमस्ते प्रणाम, बैठिए, बैठो। लड़का हो ना हमारा, बैठो बैठो बैठो। प्रणाम का प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। इनहू के पढ़े के बार हुआ कोचिंग में। किस क्लास में लेना है एडमिशन? दसवीं पास करे के। अच्छा चलो, किताब ये हम पढ़ें। हाँ हाँ तुम ही पढ़ो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। द विंडोज 10 में डेस्कटॉप, सॉरी सॉरी सॉरी, द बेस्ट डेस्कटॉप इज द प्लग्ड, द रसायन बीन आइस स्कॉन डबल ट्विटर्स इन लिस्ट। बस बस बस, लो दो। ठीक है, समझ गया। आप लोग जाइए, मैं इनका एडमिशन नहीं ले सकता। जाइए जाइए जाइए। हाँ बात से बात से, एक जिंदगी के सवाल पर कुछ नहीं, माफी चढ़ा दी। आप निकलिए यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ ना, निकलिए यहाँ से, जाइए। अरे हम निकलिए यहाँ से, नहीं तमाशा नहीं चल रहा है यहाँ पर। चलिए हम पढ़ लेंगे, जाइए। चलिए हम पढ़ेंगे। अरे आप जाइए, मैं कह रहा हूँ। अरे साग बना रखा है, हम पढ़ लेंगे। अरे चल कह रहा हूँ, निकलो यहाँ से। हेलो ज्योति की मम्मी बोला था नी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे भले ही ज्योति विदाई करा के नेखी आयल, बाकी बाड़ी तो पतो है नीमू। हाँ। रवा कुछ मत सोची, अरे हम खिचड़ी भेजा तानी। ए जी सुनी ना, अतानी ज्योति से बात करा दी हमरा के। हाँ। कुछ बात करे के बा। हाँ, 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 हम बात करा वतानी। ज्योति ज्योति बेटा। जी मम्मी। हेने आओ बेटा। हाँ। ला बात करा, हम बाबूजी के खाना दे के आवतानी। हेलो। हाँ दुलो हेन। प्रणाम अम्मा जी। अरे खुश रहा खुश रहा खुश रहा। अच्छा ये बतावा, तोहरा के कुछ चाहिए का? हम भेज देता नहीं है जैसे। हेलो ज्योति, हम तोहर जेठानी बोलता नहीं। दीदी प्रणाम। खुश रहा खुश रहा। ज्योति तोहरा के बहुत देखे के मन करता, बहुत बड़ाई सुन ले बनी तोहार। अरे दे ना रे, हमरा के बतिया हूँ नहीं खेते थी। हेलो। अरे तो कौनो चिंता मत करी। जीतू के मैट्रिक पास करावे खातिर इनकर बाबूजी लागल बाड़े। संभाल अपना लाट साहब के। कोनो कोचिंग वाले ससुरा के एडमिशन लेबे के तैयार निकल। अरे अनपढ़ गमार के कई कुछ जिने का हो सकत। अरे ऊ कोचिंग वाला हमर का एडमिशन लिया सन, तू जानते रे कि आज के समय में बस पढ़ाई के नाम पे लोग पैसा इठता। अरे धंधा बन गेल बा, खाली फुकास पानी बा, कि ऐसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ाएंगे, हमरा में कोनो कमी नहीं खे। ऊ कोचिंग में कमी बा, कोचिंग में। अरे नालायक, अरे तो के तनी को शर्म नहीं क्या? अरे हमने के साथ साथ एगो लड़की के जिंदगी दांव पे लागल बा। अरे ते हमरे कोखे से जन्म लेते मर का है ना गईले। अरे हमरे कोख से तू ही जन्म लेवे के रहले हा, हमार कर्म ही फूटल रहल के तो हमरे कोख से पैदा भइले। हे भगवान हम कहां करी, अरे हमार तो कर्म ही फूट गई। हम अपना होखे वाला पुतोह के वचन देके आल बानी। हमरा नीखे लागत कि हम पूरा कर पाई। एगो बात सुन ला, अगर ऐसन भइल ना तो सबसे पहले हमार मौत होई हमार।
अरे ज्योति के फोन लागत इज्जत के कबड़ा कदरस काम आई जौन हो तो देखा जाए पहले फोन तो उठावा जी तू। हेलो का बात बाजी आज कौनो मैसेज ना कहीं नाराज बानी का? अरे ना ना रहुआ से हम कहे के नाराज हो कब? वो एक्चुअली का है ना हम रहुआ से मिलल चाहता नहीं। आए तनी एक बार फिर से बोली ना काल मिलल जा। हाँ अरे जब कोई तो ठीक बा बाय। अरे वो एगो जरूरी काम बा। काम करे जाता नहीं कि रूप दिखावे। भौजी उ बाजार जाता नहीं हो ऐसन कोनो बात नहीं के। तब बाजार जाती तो हमरो एगो काम कर दी ना। कौन काम? साड़ी में फाल लिया के बा। भाई हम अपना टी शर्ट पर मोर के पाख लगवा के लेल बनी स्पेशल ड्रेस आ लगल हमर स्टैंडर्ड खराब करे। स्टैंडर्ड खराब नहीं की करत रउवा के आदत डालता नहीं ना ज्योति आज यहाँ तक रहे पड़ी। हाँ यो तो सही है खतरा जल्दी जल्दी देवर होके तो ऐसा हमर जतरा खराब के लिए बड़ू टोक के कहत देवर होके तो ऐसा। हाँ ठीक बा ले ले आई। कहाँ जाता रहा? जा ना अपन काम करो। अरे बेटा जाता रहा तो हमरो दवाइयाँ लेते आई। हाँ सब लोग के ही पेरा काम बा। एगो काम कर बाबूजी के बोला तो उनको काकू चुल जाओगे बता। आना था घर भर के टुकनी बीमारी भूल बकाये बेरा। इकरा का हो गई? प्रणाम। अरे का हो जीजा जी का हाल बा? पहली बार आई नहीं हूँ खाली हाथ। खाली हाँ ना लाइल तबारा मिनट इली वाह चीचा जी रवा तो काफी समझदार बानी। अब रवा लोग बैठी हमके कबाब में हड्डी बने के नहीं खे ठीक बा। चला चला और बताई कैसन बनी रहुआ? ठीक रहुआ हमरा के मिले खातिर बुलौनी ये हमके बहुत अच्छा लगल। और पढ़ाई कैसन चला था? अरे एक नंबर बिल्कुल टॉप ये बरी हम पक्का पास हो जाए। हाँ हमरा से झूठ मत बोले काल हम फोन पे राउर और अम्मा जी के कुल बात सुन लेने दोनों परिवार के प्रतिष्ठा के बाद बा और अगर कुछ भी ऊंच नीच भइल तो सबसे ज्यादा बदनामी तो हमरे हुई। यही से हम सोचत रहनी कि अगर कोनो भी शिक्षक और कोचिंग रउआ के पढ़ावे खातिर तैयार नहीं थे तो काहे ना हम रउआ के पढ़ाई। ये से बढ़िया बात और का हो सकेला कि रउआ हमरा के पढ़ाई। लेकिन घर वालन के और समाज के ही बात ना पता चले के चाहिए कि हम रउआ के पढ़ा रहे बानी। यही से पढ़े खातिर जगह रउआ के खोजे के पड़ी। हाँ खोज लेब ना खोज लेब खोज लेब। अरे बाय बाय। लेकिन एक बात और आज से हमने के बीच एगो टीचर
और स्टूडेंट के रिश्ता रहे, ठीक बा? ठीक बा। बाय। बाय। लोग सब व्यवस्था कर दे रहे, घबराई मत, अंदर चलो। आई आई अगर क्यों देख रही तो खा सोची, देखो थोड़ा बच के। हाँ आई, आराम से। अभी देखी पढ़ाई लिखाई का पूरा व्यवस्था कर देले बानी। सबसे ठोक गई। बाकी पाठशाला खेत में अगर क्यों देखी तो का कही? का है ना भौजी, ई पाठशाला के घर में रहित ना तो ये बवाल हो जाए। तू चिंता मत करी, हमनी के बानी जा पढ़दारी में, हमनी के रहते ई पगार के पत्तो नहीं हिल सकेला। भौजी का है ना, रुआ पढ़ाई पे ध्यान दी और भाई पढ़े पे ध्यान दो। हां ई ले पकड़ा। कुछ करिए मत, ठीक है ना? मतलब ये कहनी है कि पढ़ाई पे ध्यान दी है ताकि दसवीं में ही टॉप कर जा। अच्छा, चलो पढ़ जा। हाँ चल चल, आई बेस्ट ऑफ लक।
हमने के बाहर बानी जा ताकि कोनो देख न ले। चल रे संभाल के चल। गलत बात है। हम का कहीं नहीं है। सॉरी। ठीक है। आज खातिर हमरा लागत है इतना बहुत हो गई। अब बाकी कल पढ़ के। और हाँ, दसवीं के फॉर्म भरल शुरू हो गई बा। तो रहुआ ध्यान से फॉर्म भर दे। जी ठीक बा। कचर 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 कुछ हो दिमाग में नहीं क्या घुसत एकै को कह के बताओ सर एकै को तो हम बताई हां बताओ देखो भाई तू सीधा भाभी के पकड़ के कष्ट जा दियो कुछ दूर से बताओ अच्छा तो वैसे भी कौन पत्नी अपने पति के चिल्ला चिल्ला के शिकायत कर रही है अब मनो हुई तो बोलिए थोड़े हट होने देखो भाई हम तो सुहागत सिटी मुखिया के खेत में कदले बानी तू सीधे भाभी के पटक के जहर जे सुन लो कहे कि कुकुर बिजार सब के टाइम आ जाला अरे तहां टाइम का भाई खून अपन खौलावा खौलावा अपन खून सुनो ऐसे मौका का फायदा उठा भाई बात तो इनकी के सही कहत रस लेकिन अरे सुजत का वाला यही से उनका के जाई करा के पड़ी ये कनी के बात में दम बा अब लागत हमरा कुछ कर ही के पड़े यस आई भौजी भौजी आई 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 ए जी तू अरे सवेरे से फोन करत रहनी रहुआ उठैनी ना ओकरा बाद सीधा सांझी के बुलौनी पढ़ावे खातिर अरे ऊ का बाकी बाबूजी के तबियत थोड़ा स्वस्थ हुए यही से दिन में दवाई लिया चल गए रहनी यही से रात में बुलौनी है वैसे भी रुआ कले बनी की पढ़ाई में एको दिन गैप ना होके चाहिए का दिन और का रात जीदू हमने क्या बतानी है दिन वाला बात याद बना चल 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 ठीक बा मन लगा के पढ़ ली हां चल ऑल द बेस्ट आई अरे बेंच कहां गई इत चौकी अरे गांव में चोरन के कमी नहीं खे लागत बेंच चोरा के लेके चल गए बसन ऐसे चौकी डाल देनी है कल बेंच ले ले अच्छा ठीक बा जल्दी से पढ़ाई शुरू करे के चाहिए लेट होता फिर वापस हमके घर भी जाए क्या अरे किताब खोली ना पेज नंबर 147 खोली जल्दी Thank you.
अरे का करो तानी? छी, तू लाया कि नहीं खा कि केहू तोरा पर भरोसा करे। हमके तो अपने आप पे शर्म आ रहल बा कि हम तोरा जैसन हैवान के पत्नी हई। आज के बाद हमार और तुहार कौनो रिश्ता नहीं के। का भइल भगिना? गदा हवे का? अरे उ लईकी तोर और तोर बाप के प्रतिष्ठा बचावे खातिर इतना बड़ा रिस्क उठा लेलस और ते अपन छिछरापन वो दिखा देलस। कब बोना सुधर बे थे मामा जी? वो गलती तो हो गई लेकिन का करी समझे में नहीं आवत। का करी का? जाके माफी मांगा। वो हमके माफ करी है? काहे ना करी? तोरा ले समझदार जरूर बिया। अरे भले ही तोहरा के प्रतिष्ठा से मतलब नहीं खे, बाकी ओकरा बा। देखा भगिना, अगर ईमानदारी और इज्जत से पेश आई बा तो जरूर माफ करी। जा। जी मामा। चला जा, खुश रहा। जा। सुनी ना, हमार बात तो सुनी। गलती तो हम कैले ही बानी, लेकिन कुछ भी हो जाए आज रात भर में हम माफी मांगिए के रहा। सॉरी। अरे सुनी, अरे
ज्योति एक बार हमार बात सुना। ज्योति हमार बात तो सुना, हम जानते नहीं कि हम ऐसा गलती के लिए बनी जी आप माफ ना कर सकेला, लेकिन हमके अपने गलती के एहसास बा, माफ कर दे हमके, अब ऐसा गलती ना करो। तुहार और हमार कोनो रिश्ता नहीं के, और हाँ तू जीवन में कबो कुछ नहीं खा कर सकत, कहे कि जितना घटिया तुहार सोच बा तू आदमी भी उतने ही घटिया बाड़ा। आज के बाद कबो भी अगर हमार रास्ता रोके की कोशिश कैला तो हम सीधा पुलिस में कंप्लेन कर दे। वहाँ के पिताजी के फोन डाला डाला स्पीकर पे डाला था। प्रणाम समधी जी। प्रणाम प्रणाम। बड़ी खुशी के बात बा, जानता नहीं। हाँ बोली। राउर दामाद बदल रहल बा। पता न ये सब कैसे भयल, कैसे बदल रहल बा, लेकिन बहुत अच्छा लगा था। ये सब परमेश्वर की कृपा। प्रणाम। कैसन बानी रवा, सो सॉरी फॉर Everything.
प्लीज क्या मैं आपको वापस पढ़ा सकती हूँ? नहीं, आज तक मेरी सब लोगों ने बहुत मदद की। लेकिन अब मैं जो भी करूंगा अपने बलबूते करूंगा। थैंक्स, बाय। मास्टराइन आ गई ली। काहो मास्टराइन, सुने नहीं हाँ आजकल गन्ना के खेत में पढ़ाई होता? ए चुप कर। अब इतना खूबसूरती लेके गन्ना के खेत में घूमले से अच्छा हमारा साथ घूमला। हमार ज्योति छोड़ा।
छोड़ो हमके। अभी आओ तो। ये बार तू पास हो जाएगा भाई हमारे घर। ए भाई जल्दी चलो हमारे साथ है। कहाँ मिल रहे? अरे अरे माफी मांग ज्योति से मांग। गलती हो गई माफ कर दो हमरा के। रुवा ठीक तो बनी ना? हाँ के रहा लाई एकरा के जान तरुका तू के तो इनका नाम भी नहीं के मालूम बस कॉलेज के दिन से ही हमरा के परेशान करेला। टेस्ट अच्छे से हुआ ना? हाँ। लगता है इस बार पहले से बेटर नंबर आएंगे। आई थिंक सो। बहुत अच्छा है। ज्योति तहरा से एक मिनट बात करे के बा। प्रिया हम तहरा से बहुत प्यार करी ले। ये कौन बदतमीजी है? हम इतना दिन से देख रहल बानी तू हमारे पीछा कर रहल बाड़ा शर्म नहीं क्या आवत बदतमीज। एक ना एक दिन एकर बदला हम तोसे जरूर ले हम। हाँ तो इनका रस दवाई दे देले बनी। अच्छा ये सब छोड़ी हम ना रउआ के गो खुशखबरी देवे खातिर आवत रहनी। हमार टीचर के जॉब में सिलेक्शन हो गई। अरे वाह बधाई हो। थैंक यू। काश हमार परीक्षा सेंटर में रवि एग्जाम न रहती। भगवान से मनाए कि ना रही। अच्छा ए भाई सॉरी सॉरी। देख भाई जोन हो गए तोन हो गई। हाँ आज हमारे के ज्यादा लोग हमार जिंदगी के सवाल बा। हे भाई भाई अरे काहे निकलो समझत हम तोरा से विनती करता नहीं जाय दी। वैसे भी तू पास होखे वाला नहीं खे बुझले ना जहा बार तो फेल हो चुकल बाड़े एक बार और हो जो। कहते ना आज हम झगड़ा झंझट के मूड में नहीं खी तो कहे नहीं सम्मानत मारा सा निकरा के। Thank you.
लड़बे, लड़ना लड़ना। केहू सच कहले बा कि लात के देवता बात से ना मानेले सन। पहले तहनी के पास करब, एकरा बाद हम पास होखब। तुझे मैं कमेंट